अस्सलाम वालेकुम नासीन, मैं हूं आपकी होस्ट जोया काजी और आप मुझे देख रहे हैं अलसादिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं अलसादिया तिब्बी फाउंडेशन के रिसर्च स्कॉलर हकीम सैफुल्ला सिखो साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं। इन्होंने 60 से ज़ायद बुक्स लिखी हैं जिसमें 55 बुक्स जिनसी तालीमात का है। आज उनकी एक ऐसी ही बुक से मैं एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, एड्स से रिलेटेड। ये उनकी बुक है जिसमें आपको आपके तमाम मसाइल के हल भी मिलेंगे और तमाम सवालों के जवाब भी। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है जिंसी तालीमात के हवाले से, मतलब फॉर एग्जांपल किसी को सेक्चुअली प्रॉब्लम चल रही है, तो वो इस जो बुक का है वो मुतालिया करें, इसको स्टडी करें। इसमें उनको उनके तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे और साथ ही साथ उनको उसका हल भी मिलेगा। हकीम साहब ने बहुत ही नायाब नुस्खे इसमें शाया किए हैं और उन नुस्खों को आप यूज़ करके अपना जो है वो ट्रीटमेंट घर पर कर सकते हैं। जो लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं, जो लोग हकीमों के पास नहीं जाते हैं, या जो लोग शर्म के बारे किसी से डिस्कस नहीं कर पाते हैं, वो इन बुक्स को ईजीली स्टडी करके अपना ट्रीटमेंट घर पर ही कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जो नुस्खा जैसे बताया हुआ है वैसे ही किया जाए तो आपको शफा होगी, अदरवाइज़ आपको कमी बेशी की वजह से कोई नुकसान भी हो सकता है। तो आज हम जो आपके साथ डिस्कशन करेंगे वो इसी बुक से रिलेटेड है, जिसको बहुत सारे लोगों के माइंड में जो सवाल आते हैं, जैसे कि मर्दाना उज़्वे मखसूस, उज़्वे ख़ास की वजह से उनको बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि खतना क्यों करवाते हैं। मुस्लिम लोगों को तो ये पता है कि ये एक सुन्नत है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले के जो लोग थे वो क्या करते थे? वो लोग इसको रिलेटेड कर देते थे लाइक दैट, जिसको नहीं पता था हिंदू मज़हब से रिलेटेड थे, इनके जो बुतों को मानते थे, देवताओं को खुश करने के चक्रों में वो जिस्म का एक हिस्सा काट के फेंक देते थे, जी ये बलि चढ़ गई, जो भी ऑल दैट। मुझे मतलब इन चीज़ों का इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन सुनने में ये आया, ये रिसर्च से साबित हुआ है कि वो लोग इस वजह से खतना करते थे। लेकिन असल में खतना जो है वो सुन्नत नबवी है। ये बहुत बाद में लोगों को पता चला, लेकिन उससे पहले यहूदी, ईसाई इस लोग खतने को करवाते थे। कुछ लोग इसको कंसीडर करते थे जिस्म की साफ़ सफाई से, कुछ लोग देवताओं को खुश करने के चक्रों में, कुछ लोग इसको जिस्मानी मतलब अपने उज़्वे ख़ास की खूबसूरती के लिए करवाते थे। अब यहाँ कहना ये गलत नहीं होगा कि जिस्म की साफ़ सफाई तो लाजमी है, क्योंकि इसका कुरान पाक में भी जिक्र है कि सफाई निस्फ ईमान है। जब आप अपनी सफाई रखते हैं, अपने जिस्म की सफाई रखते हैं, तो आपकी 75% जो डिजीज़ है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन आजकल के दौर में लोग समझते नहीं हैं इस चीज़ को, वो कहते हैं अच्छा आज नहा लिया, दो दिन ठहर के नहाएंगे, कोई बात नहीं, अभी कल तो नहाए थे। सर्दियों में ये मोस्टली देखा जाता है कि 15-15, 20-20 दिन लोग नहाते नहीं हैं। अब जो उज़्वे मखसूस की साफ़ सफाई है, खतने से रिलेटेड बात है, तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर खतने करवाए जाते हैं तो ये एड्स को रोकने में 95% काम करता है, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट झिल्ली होती है, ये रिसर्च से साबित किया गया है, जो कि डॉक्टर रोनाल्ड की रिसर्च है, डॉक्टर फ्लेमर की रिसर्च है, डॉक्टर एस खन्ना शुमाली की रिसर्च है, कि ये एड्स को कम करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसलिए खतने करवाना बहुत ज़रूरी है, आप खतने करवाएं ताकि एड्स जैसी मौजी मर से आपको छुटकारा मिल सके। रिसर्च की गई कि जो ख़वातीन हैं उनको विजाइना कैंसर जो है वो क्यों होता है, या एचआईवी क्यों होता है, तो पता चला, रिसर्च से पता चला कि ये मोस्टली खतने ना करवाने की वजह से भी होता है। मुस्लिम ख़वातीन में रिसर्च की गई, जांच की गई, तो पता चला कि मुस्लिम ख़वातीन में ये 1% भी नहीं है, जबकि दूसरे मज़ाहब की या दूसरे लोगों की, डॉक्टर एस खन्ना शुमाली ने ये जो अपने मज़हब की ख़वातीन का जांच किया, उनके टेस्ट किए, तो पता चला 75% ख़वातीन को जो कैंसर है या एचआईवी है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ खतने ना होने की वजह से हुआ है।
जब उन्होंने वो झिल्ली के टेस्ट किए तो पता चला कि ये जो झिल्ली है ये एड्स फैलाने में सफ़े अव्वल पर है। इसलिए कहा जाता है कि सफाई निस्फ ईमान है। जिस्म की सफाई, अपने अंदर की सफाई, अपने प्राइवेट पार्ट्स की सफाई बहुत ज़रूरी है। आप ब्रश करें, आपके इंटरनली जितने भी मामलात हैं, आपका स्टमक ख़राब रहता है, आपका गला पक जाता है, आपकी बहुत सारी बीमारियाँ सिर्फ और सिर्फ दांत साफ करने से ही दूर हो जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, गुटखे खाते हैं, पान खाते हैं और कई कई दिन ब्रश नहीं करते, सफाई नहीं दांतों की करते, और फिर मोस्टली लोग मुंह का कैंसर लेकर बैठे होते हैं, मोस्टली लोग मैदे का कैंसर लेकर बैठे होते हैं जी, और शिकायतें अल्लाह ताला से कर रहे होते हैं कि जी पता नहीं अल्लाह ने ये हमें ही क्यों लगानी थी, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। ज़रूरी ये नहीं होता कि आपने किसी का बुरा नहीं किया, ज़रूरी ये है कि आप सुन्नत नबवी के तरीक़ों को अपनाएं, आप सुन्नत नबवी पर चलें, आप अपने जिस्म की, अपने मुंह की, अपने सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक की सफाई रखें ताकि आप हेल्दी रह सकें, जो कि हमारे माशरे में अमूमन मुस्लिम लोग भी कमोबेश 70% लोग नहीं करते हैं, क्योंकि सारे मुसलमान तो नमाज़ नहीं पढ़ते हैं ना। अगर आप दिन में 5 वक्त वजू ही कर लेते हैं तो वो भी आपकी सफाई का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि वजू करने से भी आपके सर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक आपकी बीमारियां झड़ती हैं, आपकी तमाम मुश्किलें दूर होती हैं। क्योंकि अगर आप बीमारियों से महफूज रहेंगे तो डेफिनेटली आप खुद को हशाश पशाश फील करेंगे। अब आपको बताती चलूं कि जो HIV झिल्ली है, मतलब HIV बीमारी है, वो इस झिल्ली से कैसे बढ़ती है और इसको रोका कैसे जा सकता है। रोका तो आपको पता है खतनों से ही जा सकता है, आप खतने करवा लें। इसमें 95% एड्स की और विजाइला कैंसर की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अब ये बढ़ता कैसे है, मोस्टली लोग अपने जिस्म की साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, या जिन ख़वातीन को एड्स होता है, क्योंकि मोस्टली लोग शौकीन मिजाज होते हैं, वो अपनी बीवियों के अलावा बाहर अफेयर्स चलाते हैं, या ऐसी जगहों पर जहाँ जाते हैं जो ख़वातीन अपने जिस्म का कारोबार करती हैं, जिसको आप प्रोस्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। अगर वो लोग उनसे मिलते हैं, मोस्टली ख़वातीन को डेफिनेटली प्रोस्टिट्यूशन में रोज़ाना तो टेस्ट होते नहीं हैं, रोज़ाना तबीयत बिगड़ती संभलती है, वो उनको नहीं पता होता कि इसका क्या टेस्ट करवाना है। कई लोगों को HIV भी होता है, कई ख़वातीन को, तो वो बीमारी वहाँ से लेकर भी घर आ जाते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जिस्म की साफ़ सफाई का ख्याल रखें, और ये जो शौकीन मिजाजी है ये अगर आप अपने घर पर ही दिखाएं तो आप दोनों मियाँ बीवी इस मौजी मर्ज से बच सकते हैं। अल्लाह ना करे अगर आपको HIV हो जाता है तो ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिससे आप बिल्कुल मर जाएंगे या आप बच नहीं सकते, इसका भी इलाज है, आप इसका भी फुली ट्रीटमेंट करवाएं। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको HIV पॉजिटिव है तो मोस्टली लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, मोस्टली लोग इस चीज़ को जहन पर सवार कर लेते हैं कि पता नहीं अब मैं कितने दिन जीऊँगी या कितने दिन जिंदा रहूँगा। ये आपको बता दूँ कि ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर आपने चंद दिन भी जीना है तो हशाश बशाश तरीके से जिए ताकि आपकी तकलीफ़ कम हो सके, लेकिन अगर आप में विल पावर ज़्यादा है तो आप HIV जैसी बीमारी से भी लड़ सकते हैं और सेहतमंद हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी मिसाल हमारे पास मौजूद हैं। डॉक्टर रोनाल्डो ने एक पेशेंट का इलाज किया जो कि HIV पॉजिटिव थी, उसके अलावा डॉक्टर प्लूमर ने इलाज किया कुछ कपल्स का जो कि HIV पॉजिटिव थे। ये मुमकिन है और हो सकता है, तो आप अपने आप को बेहतर है कि अपने बच्चों के फौरन खतने करवाएं, और जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं उनके खतने करवा दिए जाएं, क्योंकि बचपन में बच्चों को तकलीफ़ कम होती है और बच्चे इजीली इसको मैनेज भी कर लेते हैं। खतने करवाने के बाद आप अपने जिस्म की सफाई रखें, अपने बच्चों के जिस्म की सफाई रखें, दांत रोज़ाना साफ करें ताकि आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो और डॉक्टर के पास कम से कम जाना पड़े। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो लाजमी पसंद आई होगी, और इसको अगर आपने पसंद किया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ ताकि मैं मज़ीद आपके पास ऐसी वीडियोज़ लेकर आती रहूँ। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया।